अस्सलामु अलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्स का फोर्थ एडिशन है, प्रॉब्लम 3.12 है, चैप्टर 3 चल रहा है पोटेंशियल का। वो कहता है दो लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर पाइप्स हैं, हर एक का रेडियस आर है, उनको 2D की दूरी पर रखा गया है, ओवरऑल पोटेंशियल वी नॉट है एक तरफ, दूसरी तरफ माइनस वी नॉट है। वो कहता है हर जगह पोटेंशियल बताओ। वो कहता है एक्सप्लाइट करो रिजल्ट 2.52 को, यानी इससे हम मदद ले सकते हैं 2.52 से। तो ये हमें हिंट किया गया। तो ना सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भई अगर दो पाइप हैं, हम सेंटर से एक पॉइंट चूज कर लेते हैं दोनों पाइप से, जिसे हम एक्स वाई जी के पॉइंट कह देते हैं, जो वी नॉट से दूरी है एच प्लस है, वी माइनस वी नॉट वाले से जो दूरी है वो एच माइनस कह देंगे। तो v बराबर आ जाएगा ई डॉट डी एल। ई आप जानते हैं एक पाइप के लिए या एक वायर के लिए जो होती है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस होती है, डी एल को हम वी डॉट एस डॉट एस यूनिट वेक्टर रख देंगे। डॉट प्रोडक्ट उठाएंगे, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले जाएंगे, डी एस प्राइम ओवर एस प्राइम, क्योंकि हम पूरा पाइप कंसिडर नहीं कर रहे, हम उसका कुछ पैक कंसिडर करेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे एज अ होल, क्योंकि हमने लिखा है डी इनिशियल से लेकर हम उसे एस तक ले लेंगे। अब क्या जनाब कि आपके पास नेचुरल एस प्राइम आ जाएगा, जब हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो नेचुरल एस बाई डी आ जाएगा। तो ये जनरलाइज फार्मूला आ गया पोटेंशियल का। तो अगर हम पॉजिटिव पाइप की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे तो वो वी प्लस कहलाएगा, फार्मूला यही देगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल एस प्लस ओवर डी आ जाएगा। और अगर हम नेगेटिव पाइप की वजह से निकालेंगे तो वी नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर हम नेट निकाल लेंगे दोनों को सम कर लेंगे, नेचुरल होने की वजह से डी डी से कट जाएगा, प्लस नेगेटिव ओवर एस पॉजिटिव आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इस 2 को अंदर ले जाकर स्केयर कर लेंगे। अगर हम यहाँ से इनकी दूरी देखेंगे इस पॉइंट से, तो वो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टी प्लस वाई माइनस जीरो जेड माइनस डी, इस एक्स माइनस टी प्लस ओके प्लस वाई डी स्केयर लिखा जा सकता है, सेम नेगेटिव के लिए किया जा सकता है। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं, एस माइनस के एस प्लस के में, तो ये शक्ल बन जाएगी नेट आ गया। तो अगर हम कहें कि जो पोटेंशियल सर्फिस पे फर्स्ट वायर की, तो वो आ जाएगा डी प्लस आर के। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास, अगर हम वापस इस टूल के ऊपर चले जाएं, तो हम कहेंगे सर्फिस जो सेकेंड की होगी वो हो जाएगा आर डी माइनस आर माइनस, तो वो ये टूल बन जाएगा आपके पास। अब क्या जनाब, हम इसमें से ये जो नेचुरल वाला टूल है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास अगर लिखा जाए इस तरीके से कि कॉस हाइपरबोलिक डी बाई आर, तो नेचुरल डी प्लस स्केयर डी स्केयर माइनस आर ओवर आर। तो अगर डी आर से बहुत बड़ा हो तो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल डी प्लस आर और डी माइनस आर, ठीक है। तो आपके पास ये सारी चीज बराबर आ जाएगी 2 cos हाइपरबोलिक डी ओवर आर के। तो ये चीज़ हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, वी नॉट आ जाएगा लैम्डा वो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस हाइपरबोलिक डी बाई आर के। यहाँ से सिर्फ लैम्डा रिक्वायर्ड है, लैम्डा इधर रहने देंगे, बस फिर तो उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। अगर आप किसी कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ओके, अल्लाह हाफिज़।